हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, अभी मॉर्निंग का समय हो रहा है और आज है बृहस्पत और मैं करती हूँ विष्णु भगवान की पूजा। सो सुबह से जल्दी उठ के मैंने खाना बना लिया है और मुझे जल्दी से पूजा करनी है। काफ़ी लेट हो गई है पूजा करने में, लेकिन अब कोई बात नहीं, खाना बनाने में मुझे लेट ज़्यादा हो गया आज, तो इसीलिए। और ये बृहस्पति भगवान जी का पूजा मैं 1.5 साल से कर रही हूँ। सो पहले भी मैं करती थी, शादी से पहले मैं करती थी, 2-3 साल मैंने लगातार किया था शादी से पहले, और उसके बाद मैंने छोड़ दिया था। सो फाइनली फिर से मैंने 1.5 साल पहले उठाया इस पूजा को और अब कर रही हूँ। 1.5 साल से लगातार मैं ये पूजा कर रही हूँ विष्णु भगवान का। सो आज बृहस्पति है और आज भी मुझे पूजा ही करनी है, तो अभी मैंने खाना वाना बना लिया है और उसके बाद मैं जा रही हूँ नहाने। तो चलो मिलके नहा के मिलती हूँ आप लोगों से। गाइस, मैं नहा ली हूँ, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो आज गुरुवार है, तो अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने, जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरू में ही बता दिया था। तो यहाँ पे मैं नहा ली हूँ और यहाँ पे मैंने पीली साड़ी पहन लिया है। सो अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने और यहाँ पे मैं पैसे लेके थोड़ा सा इंतज़ार कर रही हूँ किसी का क्या, मैं पार्सल का इंतज़ार कर रही हूँ। मीशो से मैंने एक साड़ी मंगवाई थी, मतलब मेरे सासू माँ ने मंगवाई थी, तो उन्हीं का अभी मतलब साड़ी आने वाला है। अभी कॉल आया है कि आधे घंटे के अंदर आ जाएंगे, तो अभी मैं पूजा भी करने के लिए नहीं बैठ सकती, क्योंकि पूजा के लिए बैठ जाऊंगी तो फिर उठना नहीं पड़ता है, पूजा में से नहीं उठा जाता है। तो अब मैं पार्सल लूँगी, उसके बाद ही पूजा के लिए बैठूँगी। सो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे अभी मैं नहा के जस्ट आई हूँ अभी, और मैंने बस एक छोटा सा बन बनाया है, आप लोग देख सकते हो। और ये वाली मैंने साड़ी पहनी है, पीली वाली। और यहाँ पे मैं छत पे ही हूँ क्योंकि मुझे छत पे ही पूजा करनी है। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे अभी पूजा कहाँ करनी है। तो चलो गाइस, मुझे यहीं पे पूजा कर बैठ के पूजा करनी है। और यहाँ पे मैं थाल वगैरह और जो गुरु मतलब बृहस्पति भगवान का जो फ़ोटो होता है वो मैंने वहाँ पे रख दिया है। और यहाँ पे मेरा पैर भी सूख गया है, देख सकते हो आप लोग, और इसे मुझे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि देख सकते हो पूरा मेरा केला का जो पेड़ होता है वो सूख चुका है। तो इसी इन्हीं मतलब केला का पेड़ का ही पूजा किया जाता है फ़ोटो रख के विष्णु भगवान का। तो देख सकते हो यहाँ पे मेरा सारा सामान रखा हुआ है, मैंने पानी वगैरह भी रख दिया है। सो थोड़ी देर में पूजा करूँगी जब पार्सल मेरा रिसीव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मेरा पूजा हो चुका है और मैं छत से नीचे आ चुकी हूँ और मैं हूँ अभी बेडरूम में, और पार्सल भी आ गया है। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि पार्सल में मतलब साड़ी आया है, तो कैसी साड़ी है। सो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सो यही है पार्सल, एक साड़ी है इसमें, दिखाती हूँ आप लोगों को। सो गाइस, यही है साड़ी, ये देख सकते हो, ये वाली साड़ी मंगवाई है मतलब मेरी सासू माँ ने। और ये नेट का साड़ी है, आप देख सकते हो नेट का साड़ी है, बहुत ही अच्छा साड़ी है। इसमें एक और कलर मंगवाया था मेरी सासू माँ ने ही, तो वो ग्रे कलर का था, और ये है कॉफ़ी कलर का, जो कि देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत साड़ी है। मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट, ये देखो इस टाइप की साड़ी है ये नेट का, ये देख सकते हो आप लोग, ये देखो बहुत ही अच्छा साड़ी है। सो यही था पार्सल। सो गाइस, मेरा पूजा समाप्त हो चुका है, अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा पानी पीऊँगी और चाय पीऊँगी। अब खाना तो नहीं खाना है, खाना अभी एक बड़ी एक टाइम खाना होता है, तो शाम को मैं खाऊंगी खाना कुछ भी। सो अभी मैं सिर्फ चाय पीऊंगी और पानी, तो चलो चाय बना लेती हूँ, पी लेती हूँ।
सो फ्रेंड्स, मेरा चाय बनके तैयार है और पानी मैंने पी ली है। चाय बनाते समय ही मैंने पानी पी ली थी, क्योंकि सुबह से मैंने पानी नहीं पी थी इसलिए। और पानी पीने के बाद मैं अब चाय पीऊँगी। पहले मैं जा रही हूँ अब बेडरूम में आराम से बैठ के पीऊँगी। सो आप लोग देख सकते हो मैं बेडरूम में आ गई हूँ और बैठ के चाय पी लेती हूँ। उसके बाद अभी नीचे बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी तो मैं जाऊँगी छत पे। गाइस, मैं आ गई हूँ छत पे, आप लोग देख सकते हो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी नीचे, तो मैं छत पे आ गई हूँ। सो धूप अच्छी है तो मैं छत पे ही थोड़ी देर बैठूँगी। चाय मैंने पी लिया है, जो अभी कुछ करना नहीं है। खाना वाना बन चुका है, सुबह में ही मैंने खाना बना लिया था। तो पूजा हो गया है और चाय भी मैंने पी ली है, तो छत पे कुछ देर धूप में बैठूंगी और देखती हूँ। मैं यहाँ पे छत पे आकर बैठ गई हूँ यहाँ पे, और ये है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैं कोने में बैठ गई हूँ, क्योंकि यहाँ पे छत पे बैठने से दिखता है, तो इसीलिए मैं यहीं पे आकर बैठ जाती हूँ। सो मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों से बात करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करना प्लीज़, क्योंकि जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तब तक ये वीडियो बनाना मतलब कोई मायने ही नहीं रखता। ये वीडियो बनाओ, कितना भी वीडियो बना लूँ, जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तब तक मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। और गाइस, आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं बहुत मेहनत करती हूँ, अपने चैनल पे वीडियो बनाती हूँ और बहुत प्रॉब्लम भी मुझे झेलना पड़ता है। सो इसीलिए आप लोग ज़रूर सपोर्ट करना और आगे बढ़ने का मुझे मौका देना, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है, ये सब वीडियो बनाना या कुछ भी। सो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करना मुझे और फुल वीडियो वॉच करना, और कैसा लगा वीडियो आप लोगों को ज़रूर बताना, क्योंकि इस तरीके से वीडियो मैंने फर्स्ट बार बनाई है, जो कि कैमरे के सामने आके मैंने बनाई है। बस कोई कारण है इसीलिए मैं नहीं बनाती सामने से, कैमरे के सामने से आके नहीं बोल पाती हूँ, लेकिन अब कोशिश करूँगी, ज़रूर करूँगी। जिसको जो सोचना है सोचे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अभी परेशानी में हूँ तो कोई सहारा नहीं देता, तो ये सब भी देखने के लिए उन लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए जो कि मेरा वीडियो जो देखते हैं। सो अगर जिसको पसंद नहीं आता मेरा वीडियो वो मत देखे, मैं उसको फोर्स नहीं करती जाकर देखने के लिए कि मेरा वीडियो देखो, नहीं देखो मेरे वीडियो में, मत घुसो मेरे वीडियो में। सो बहुत सारे वीडियो पड़े रहते हैं वो देखो, मेरा वीडियो मत देखो जिसको परेशानी है मेरे वीडियो बनाने से। सो इसीलिए मैंने थोड़ी सी बात की है, कुछ मेरे अंदर था इसीलिए मैंने इस तरीके से बात की है। जो जो मुझे प्यार करते हैं उसके लिए ये बात नहीं थी। सो गाइस, आई होप आप लोगों को छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।